कंटिन्यू रखते हैं क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है यही, तो इसको अपवर्ड थ्रो किया था हमने 49 मीटर पर सेकंड से, इसने मैक्सिमम हाइट अपनी अचीव करी है, ठीक है। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा तो जो वेलोसिटी होगी उसकी वो जीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अपवर्ड थ्रो कराया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा। हमने क्या करा था, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करा तो हाइट जो आई हमारे पास, हाइट आ गई 122.5, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन कराया कि इसको ऊपर जाके और वापस आने में टोटल जो जर्नी है इसकी, टोटल जर्नी में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप अप्लाई करोगे तो ये जो टी आ रहा है ये क्या आ रहा है, जब वो गया है ए टू बी, क्या गया है, वो ए टू बी गया है। जब वो ए से बी तक गया है, उसने अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी है, उसमें जो उसको टोटल टाइम जो टाइम लगा वो कितना लगा, 5 सेकेंड। अब मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर जाना और वापस आना दोनों में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम टोटल टाइम निकालें इसका वो कितना जाएगा, टेन टी बी हो सेकेंड जाएगा। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की। आंसर आपका क्या जाएगा, 10 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 144 पर था ये, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और पेज नंबर है वही 144, ठीक है। सर, कैन यू शो प्रीवियस स्लाइड। हाँ ओके बेटा, देखो ओके, कोई इश्यू है क्वेश्चन में, देख लो ध्यान से। आपको थैंक यू इधर सर। है ना कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं करना, जब आप वर्टिकली थ्रो करोगे तो जितना टाइम ऊपर पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम वापस नीचे आने में भी लगेगा, तो टोटल टाइम जो है वो 10 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, है ना, कुछ भी रॉन्ग नहीं है इसमें। चलो अपन इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 है, पेज नंबर 144 है, धनी ने आंसर करा है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो एक स्टोन है उसको टॉप ऑफ द टावर से रिलीज कर दे, तो भाई ये टॉप ऑफ द टावर कर दो, ठीक है, और ये सरफेस कर दो। अब ये कर रहे हैं इसको रिलीज, रिलीज मतलब उसको फ्रीली फॉल कर रहे थे। इसको मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ, इस वाले को हम ले लेते हैं बी पॉइंट। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। तो ये कितनी आ जाएगी, 0 मीटर अपॉन सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें, टावर की हाइट दे रखी है 19.6, तो यानी ये हाइट मेरे पास है, हाइट कितनी है आपके पास, 19.6 मीटर, ठीक है, वेरी गुड। अभी चेक कर लेते हैं जनाब, कानव, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये डाउनवर्ड फॉल हो रही है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, प्लस का जी होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस का जी होगा, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, यहाँ बी वाला जो पॉइंट होगा इस पर आपको बताना है वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप देखो आपके पास है क्या क्या, आपके पास एच है, ठीक है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, एक्सेलरेशन भी है, सेकेंड आप नहीं लगा सकते क्योंकि सेकेंड में टाइम आ रहा है, हाँ टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम आपको क्या लगानी पड़ेगी, हमें लगानी पड़ेगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2ए एस होता है। बी स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, यू टेन कितना है, मीटर देखो पर जीरो है, सेकंड प्लस सिक्सटी एक्सिलरेशन जो है वो जी हो जाएगी और एस की जगह रख देंगे एच, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 जी की वैल्यू हम रख देंगे 9.8 और एच की वैल्यू कर देंगे 19.6। 2 × 9.8 करोगे तो ये बनेगा 19.6, ठीक है। 2 × 9.8 करोगे तो हो जाएगा 19.6, और 19.6 × 19.6 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 19.6 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 19.6 का स्क्वायर। अब इधर से आप इसको कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट, तो ये होगा 19.6 का होल स्क्वायर, ये इस तरह का। तो ये रूट 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 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 19.6 मीटर अपॉन सेकेंड, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने किया भी है, काफी सारे स्टूडेंट्स है, वेरी गुड। और बाकी अगर किसी को डाउट है तो बताओ, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 144, ये कह रहे हैं अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर। तो हमके क्या करना है, एक स्टोन लेना है, तो एक स्टोन लेना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करो। एक स्टोन ले लिया, उसको अपन ने 1 नंबर कर दिया, इसको टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से अपन फॉल कर रहे हैं, तो ये अपन ने सरफेस बना ली, ये सरफेस हो गई। अब यहां से इसको फॉल किया जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में फॉल होगा ऐसे, ठीक है। हाइट ऑफ अ टावर हमें गिवन है, हाइट ऑफ अ टावर कितनी है अपने पास, 100 मीटर है, ये 100 मीटर कर दिया हमने।
ठीक है। अब देखो जब आप इसको फॉल कर रहे हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, फ्रीली फॉल कर रहे हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ये तो आता है आपको, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, u1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये और आगे देखो, अब आप क्या कह रहे हैं, एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, कोई दूसरा जो है ऑब्जेक्ट उसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये दूसरा कोई ले लेते हैं, दूसरा ले लिया और इसको हम क्या कर रहे हैं सेकंड कोई, इसको ग्राउंड से अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड, ये ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर, ठीक है। अब ग्राउंड से जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 25 मीटर पर सेकंड से, यानी कि यहाँ पर जो सेकंड वाला अपना स्टोन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको, 25 मीटर अपॉन सेकंड। ये तो हमने सब कुछ क्वेश्चन से ही कर लिया, क्वेश्चन ने बोला था वो कर लिया। इस वाले पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को बी ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, क्योंकि ये एक ही लाइन पर, ये इसको इसी लाइन पे ऊपर थ्रो करा है, इसको नीचे डाउनवर्ड फॉल करा है, तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे आपको ये बताना है। तो हम जैसे जो लाइन फिनिश हो रही है वैसे ही अपन उसी को आगे जोड़ दो कि कहाँ मिलेंगे, हम कह देते हैं दोनों यहाँ पर आके मिलेंगे सी पॉइंट पे। कहाँ आके मिलेंगे, सी पॉइंट पे आके मिलेंगे, बात समझ में आ रही है, हमने बोलते हैं दोनों कहाँ आके मिलेंगे, सी पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो सी पॉइंट पे आके मिलेंगे तो सी पॉइंट की हाइट मैंने ले ली एक्स, ध्यान से देखना, पहली बात मैंने क्या कहा, ये दोनों कहाँ आके मिलेंगे, सी पे आके मिलेंगे। तो सी की जो हाइट है सरफेस से वो कितनी है, एक्स है, तो ये कितनी होगी बताओ, ये वाली हाइट कितनी होगी, 100 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखते जाना, जैसे मैं लिखूं फोर स्टोन वन, पहला वाला जो स्टोन है फोर स्टोन वन, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, या इसको थोड़ा सा और मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से लिखता हूँ कि ये दोनों स्टोन यहाँ पे मिलेंगे कब, सी पर कब मिलेंगे। जैसे आप अपने फ्रेंड से कहोगे भाई आज 5 बजे अपन को उस स्पॉट पे मिलना है, तो सारे जो फ्रेंड्स हैं 5 बजे वहां आ जाए तो आप मिल पाओगे, अगर 5 बजे आप वहां से निकल गए, 5 बजे वहां पहुंचे तो सारे उसी टाइम पे वहां पहुंच जाए तब तो आप मिल पाओगे, नहीं तो नहीं मिल पाओगे, ठीक है। हाँ रुकते हो तो एक बात अलग है, ठीक है, रनिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर ए वाला जो है ये फर्स्ट वाला जो स्टोन है वो उसी टाइम में सी पर पहुंच जाए जितने टाइम में सेकंड वाला पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये दोनों मिलेंगे कब, है ना, वो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, जो कि जनरल कंडीशन है, हम अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ द स्टोन्स मीट एट पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी इफ दे कवर their distances in same time, एक ही समय में, let in time t, मान लेते कि भाई t time, तो condition क्या है, condition ध्यान रखना आप, condition क्या है, condition ये है कि ये c पर तभी मिलेंगे, ये सी पर तभी मिलेंगे जबकि जो टाइम है उसी टाइम पे ये डिस्टेंस सेम कवर करे। तो हमने टाइम कितना ले लिया, टी टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं कि भाई डिस्टेंस स्टोन वन के लिए, ठीक है, स्टोन वन के लिए क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर इन टाइम टी, डिस्टेंस कवर इन टाइम टी। तो टी टाइम में पहला वाला स्टोन कहाँ आ रहा है, ए से लेके सी तक आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ए टू सी तक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यूटी प्लस ए टी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, बचला मैसेज जो है एवरी वन में आ रहे हैं देखो आप, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लगाना है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस मतलब कितनी है, 100 माइनस एक्स है, ध्यान से देखना, ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है कितनी, 100 माइनस एक्स है। इसके लिए पहले वाले स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, टाइम कितना है, टी है, प्लस 1/2,
एक्सेलरेशन प्लस का जी आएगा या माइनस का जी आएगा बताओ? एक्सेलरेशन फर्स्ट वाले स्टोन के लिए प्लस जी आएगा या माइनस जी आएगा? प्लस का जी आएगा, प्लस का जी आ जाएगा। और टाइम तो अपन टी ले रहे हैं तो टी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 और ये जी टी स्क्वायर, ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो आपको किसके लिए सॉल्व हो गया आपका? 4 स्टोन 1। अब हम क्या सॉल्व करते हैं? 4 स्टोन 2 सेकेंड स्टोन के लिए सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड स्टोन के लिए भी वही करेंगे अपन, डिस्टेंस कवर इन टाइम टी। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर इन टाइम टी। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? डिस्टेंस कवर इन टाइम टी। तो डिस्टेंस कवर इन टाइम टी, सेकेंड वाला स्टोन किसे जाएगा? बी से लेके सी तक, बी टू सी, बी से लेके कहां तक जाएगा? सी तक। इसके लिए भी अपन इक्वेशन लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे बताओ जो सेकेंड वाला स्टोन है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? सेकेंड वाला स्टोन कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? देखो एक्स, तो एक्स आ जाएगा। सेकेंड वाले स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ? कितनी है? 25 आ जाएगा। टाइम तो टी है प्लस 1/2। सेकेंड वाले स्टोन के लिए एक्सेलरेशन प्लस का जी है या माइनस का जी है? माइनस का जी है, तो यहाँ पर माइनस का जी आ जाएगा। सेकेंड वाले को तो ऊपर की तरफ, सेकेंड वाले स्टोन एक्स के लिए का। देखो ना आप, ऐसे बी से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है टी टाइम पे? एक्स है ना, ये देखो ना आप, ये नहीं ना एक्स। ठीक है भाई, हमारी कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों जो स्टोन है टी टाइम में ये डिस्टेंस अगर कवर कर लेते तो दोनों मिल जाएंगे। तो टी टाइम में एक जो पहला वाला स्टोन है कितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसको? 100 माइनस एक्स। और दूसरे वाले को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? एक्स। ठीक है, आई बात समझ में? और यहाँ पर क्या जाएगा? टी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 25t और ये जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। बोलो यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में? कुछ पूछना है? यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, बोलो यस और नो। ये आया yes, कुछ पूछना है? ठीक है, अब इसको अपन को कुछ नहीं, अब आगे सॉल्यूशन इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे अपन? हम लिख देते हैं एड इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दो को अपन क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन देखो, ये क्या 100 माइनस एक्स है, तो ये 100 माइनस एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। ये प्लस एक्स कर दिया, 100 माइनस एक्स तो ये रहा और प्लस एक्स ये रहा। ठीक है, अब इस साइड वाली ऐड करो तो ये क्या होगा? 1/2 जी टी स्क्वायर ये हो गया, और प्लस 25t। देखो ये रहा 25t, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा। तो आपके पास 100 इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर? 25t बचेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, टी इज इक्वल टू कितना करेंगे अपन? 100 डिवाइड बाय 25 कर देंगे, 25 से 4 टाइम कैंसिल होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? 4 सेकेंड। तो यानी कि ये दोनों कब मिलेंगे? सॉल्व करनी है ना बेटा, टाइम निकालना है ना तुमको। तो अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखो ना, इसमें अननोन देखो क्या है, अननोन यहाँ पर टाइम है और एक्स दोनों अननोन है। तो किसी भी एक की अगर वैल्यू निकालनी है तो एक अननोन को आपको काटना पड़ेगा। तो वो कैसे कैंसिल हो रहा है? ऐड करने पर कैंसिल हो रहा है, इसलिए ऐड कर दिया। ठीक है भाई, ध्वनि समझ में आया? हाँ, क्यों ध्वनि आया समझ में? इस क्वेश्चन को कह रहे थे ना आप 17 को। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, उसने पूछा था कि वेन एंड वेयर, यानी वो कब और कहाँ मिलेंगे। तो कब मिलेंगे? 4 सेकंड के बाद मिलेंगे, 4 सेकंड में मिलेंगे यानी वो। और कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स। तो एक्स कैसे लिख लेगा? इक्वेशन वन जो है आपकी, इक्वेशन वन में टी की वैल्यू रख दो। ठीक है, हम क्या करेंगे? पुट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में t इज इक्वल टू 4 सेकंड रख दो। इक्वेशन वन क्या है आपकी? 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो आप, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ये है आपकी। तो देखो 100 माइनस एक्स, ये 1/2 हो जाएगा, g की वैल्यू में 10 ले रहा हूँ यहाँ पर, और t आपने फाइंड आउट कराई है, t कितना है आपका? 4 सेकंड है।
तो टी की वैल्यू आप यहाँ फोर रख दोगे, फोर का स्क्वायर हो जाएगा, टू से इसको कैंसिल कर देना, टू फाइव का टेन हो जाएगा, ठीक है। तो हंड्रेड माइनस एक्स इजिकल टू फाइव इंटू सिक्सटीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एट्टी आ जाएगा, ठीक है। और ये हंड्रेड माइनस एक्स हो जाएगा, इसको सॉल्व करके एक्स निकालना है आपको, तो एक्स इजिकल टू कितना होगा, हंड्रेड माइनस एट्टी, यानी कि आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी मीटर। तो नीचे से देखो आप, नीचे से कितनी हाइट पर मिलेंगे, ये सरफेस से कितनी हाइट पर मिलेंगे, ये ट्वेंटी मीटर पर। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ट्वेंटी मीटर। तो आपसे क्वेश्चन ये किया गया था कि व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, तो व्हेन दे विल मीट आफ्टर फोर सेकेंड, उनको थ्रो करने के चार सेकंड बाद वो मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, सरफेस से 20 मीटर ऊपर, सरफेस से 20 मीटर की हाइट पर दोनों मिलेंगे। तो आपके आंसर आ जाएंगे वेन एंड वेयर, ठीक है।